नमस्कार, आज हम रिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजी है और ये डिफेंस मैकेनिज्म है। रिप्रेशन एक्ट्स टू कीप इंफॉर्मेशन आउट ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। रिप्रेशन जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो कॉन्शियस अवेयरनेस से दूर होती हैं। मीन्स रिप्रेशन में कॉन्शियसली आदमी कुछ नहीं करता है। रिप्रेशन इज़ विदड्रॉल फ्रॉम कॉन्शियसनेस ऑफ एन अनवांटेड आइडिया, इफेक्ट और डिज़ायर बाई रिप्रेसिंग इट इन टू द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड। रिप्रेशन में क्या हो जाता है कि जो अनवांटेड आइडिया हैं, अफेक्ट हैं या फिर डिज़ायर हैं, जो इच्छाएँ हैं, वो माइंड के अनकॉन्शियस पार्ट में चली जाती हैं और वो रिप्रेस हो जाती हैं एक तरह से वहाँ पर अनकॉन्शियस पार्ट में, और कॉन्शियसनेस के से इसका कोई वास्ता नहीं होता। रिप्रेशन इज़ अनकॉन्शियस प्रोसेस, अनकॉन्शियसली होती है ये। रिप्रेशन कुड हेल्प एक्सप्लेन द रूट ऑफ सर्टेन फोबियाज। जो फोबियाज, डर लगता है व्यक्ति को, उसको एक्सप्लेन करने के लिए रिप्रेशन काम में आ सकता है। इसका एग्जांपल होगा, सम अनएक्सप्लेन फोबियाज मे स्टेम फ्रॉम ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस दैट द पर्सन हैज़ सीन्स रिप्रेस्ड। जो ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड के बचपन के अनुभव होते हैं उनसे लिंक होता है किसी किसी फोबियाज का, जो कि अनएक्सप्लेन्ड होता है। और वो होते किस वजह से हैं कि जो चाइल्डहुड में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुए हैं वो रिप्रेस हो जाते हैं अनकॉन्शियसली, तो इस वजह से वो होते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।